तो वेलकम गाइस। ओके गाइस, जब से हमारा OB41 अपडेट हुआ है तब से हमारे गेम में बहुत ज्यादा हाइपिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि नेटवर्क 999+ चला जा रहा है। इससे गाइस हम लोग अपना गेम प्ले स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं। गाइस खराब नेटवर्क होने के कारण से हम लोग एनिमी को कुछ ज्यादा ही डैमेज देते हैं, लेकिन एनिमी मरता नहीं है। अगर गाइस हम लोग कोई लूट वगैरह लूटते हैं तो काफी ज्यादा डिले होता है। अगर गाइस इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपका ये प्रॉब्लम 100% नहीं 110% सॉल्व हो जाएगा। और हाँ गाइस, वीडियो में जितने भी सेटिंग और ट्रिक्स बताया है, इन सारे सेटिंग और ट्रिक्स को सभी बड़े बड़े प्लेयर यूज करते हैं ताकि उनका मोबाइल में कभी भी हाइपिंग ना हो और कभी भी लेग ना हो। इसलिए गाइस इन सेटिंग को आप लोग को भी करके रखना चाहिए। ओके गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक तरह से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपका गेम में हाइपिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपने गेम वाले ऐप को लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा, देन आपको एप्स इन्फो पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैच कर लेना है। इतना करने के बाद आपका गेम काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओके गाइस, इतना करने के बाद आपको अपने गेम का सेटिंग में जाना है, बेसिक सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा ऑटो डाउनलोड रिसोर्सेस, इसको आपको ऑफ रखना है। देखो ये सेटिंग अगर आपका ऑन रहता है तो आपका रिसोर्स पैक बैकग्राउंड में डाउनलोड होना शुरू होता है, जिसके कारण से भी आपका हाइपिंग होता है। ओके गाइस, इतना करने के बाद आपके गेम के ही डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। आप बोलोगे कि ये सेटिंग तो हम लोग को पता है, आप मत बताओ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ समझो। देखो जितना ज्यादा हाई ग्राफिक्स में आप गेम खेलोगे उतना अच्छा नेटवर्क चलता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही होता है कि हाई ग्राफिक्स में खेलने के कारण से आपका गेम बहुत ज्यादा लेग होता है। बट गाइस लेग फिक्स करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को देख करके आप इस तरह सेटिंग कर सकते हो। ओके गाइस, इतना करने के बाद आप अपने मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन में जाना। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए अपने मोबाइल का बिल्ड नंबर पर आपको 4 से 5 बार प्रेस करना है, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर घुस जाना। यहाँ पर आप ऐप वाले सेक्शन में आना, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डोंट कीप एक्टिविटीज, इस सेटिंग को आप एनेबल कर देना। इस सेटिंग से ये होगा कि आपका बैकग्राउंड में कोई सा भी ऐप अगर रन कर रहा है तो वो बंद हो जाएगा, जिससे कि आपका डाटा कंज्यूम हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, जिससे कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा फास्टली रन करेगा, जिससे आपका गेम में हाइपिंग देखने को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, ये लास्ट वाला सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने गेम का सेटिंग में जाना, वहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में जाना। अब यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन को ऑन रखना है। ओके गाइस, इतना करने के बाद आपका गेम काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आपको कभी भी हाइपिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि गाइस आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। मैं मिलता हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।